इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा आप किस तरह सैमसंग JTE 1107 मोबाइल में किस तरह अलार्म सेट कर सकते हैं। चलिए देखते हैं। तो आपको इसके लिए सबसे पहले मेनू में जाना है, फिर आपको अलार्म्स में जाना है, और उसके बाद आपको यहाँ पर कुछ इस तरह दिखाई देगा। तो आपको किसी एक पर रहकर सिलेक्ट करना है, और उसके बाद आपको सबसे पहले अलार्म एक्टिवेशन दिखेगा। अभी ये ऑफ है, तो उसके नीचे है अलार्म टाइम। तो मैं यहाँ पर टाइम सेट कर देता हूँ, तो मुझे अलार्म लगाना है 10:23 का। और उसके बाद आप AM और PM इस ओके से चेंज कर सकते हैं, तो मैं इसे AM कर देता हूँ। और उसके नीचे है रिपीट अलार्म को रोज़ के लिए रखना चाहते हैं या सिर्फ अब एक मर्तबा के लिए, तो आप वो यहाँ से सेट कर सकते हैं। तो मैं डेली रखना चाहता हूँ। और उसके नीचे है अलार्म टाइप, तो आप अलार्म टाइप भी चूज़ कर सकते हैं। और उसके नीचे है अलार्म टोन, तो आप अलार्म टोन यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। फिर उसके नीचे अलार्म वैल्यूम, स्नोज, और यहाँ पर फिर आपको ऊपर आकर सबसे ऊपर है अलार्म एक्टिवेशन। तो आपको इस बटन से इस तरह ऑन करना है और फिर सेव कर देना है। तो आप देखोगे कि यहाँ पर अब अलार्म का सिंबल आ गया है। अब मैं बैक आ जाता हूँ।